जय श्री राधे श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। तो मित्रों, ये आज एक फिर कैल्शियम डिफिशियंसी का केस मेरे पास है भैंस का। ये देखिए, ये कैसे अपने पेट की ओर को मुंह खोल के बैठी हुई है, और ऐसे ये देखो। और इसका टेम्परेचर मैंने अभी नापा था तो 99.4 था, यानी कि टेम्परेचर इसका लो हो चुका है। और ये समथिंग समथिंग 7-8 महीने की गाभिन भी है, और बीच में तो हालत सही थी इसकी, और इसकी पूरी हड्डियाँ तक तो कितनी रख गई हैं। देखिए कितने महीने की गाभिन है, 8 8 महीने की गाभिन है। सेंस तो है, चलो सेंस में तो है, बस सही है। सेंस इतना चढ़ाते हैं, ताकत देख जब जाएगी ना, नहीं तथागत है ना उसमें। तभी हो। एक काम आप करना है, यहाँ पर नीचे बिछाना है प्राण का गद्दा, फर्श है। अब देखो कमजोर ऐसी है, कहीं घुटनों में रगड़ रगड़ लगेगी, वो करेगी, बैठेगी एकदम से तो फिर भी दिक्कत होगी घुटनों में। यहाँ आपने पराल का गद्दा बनाना है आपको अच्छे से बैठने के लिए। इसके आँखें इसकी भी पेल नहीं हुई हैं, आँखों का कलर अभी ठीक है, ये रेडनेस है इसकी आँखों में, तो इसके ठीक होने के लक्षण हैं अभी। बस एनर्जी की कमी है, उसको पूरा करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। बालक से हमने कुछ दवाइयाँ मंगाई हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, इंटालाइट हो गया, टोनोफॉस्फोन और मिकोवर्ड एक्सेल, ताकि इसके शरीर की एनर्जी बढ़ जाए, फिर देखते हैं रिजल्ट। अभी आज इस भैंस की जो ये स्थिति हुई है मित्रों, तो ये हुई क्यों है मैं बता दूँ आपको। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि गाभिन जानवरों को कैल्शियम पिलाना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग मानते नहीं हैं। हम लोग कहते नहीं, कैल्शियम नहीं पिलाना चाहिए गाभिन जानवरों को, ब्याने के बाद देना चाहिए। तो ये 8 महीने की गाभिन है समथिंग, और पशुपालक ने कैल्शियम नहीं पिलाया, तब इसकी ये हालत हुई है आज। इसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, पूरी रिप्स दिख रही हैं इसकी। ये देखिए पूरा इसका फ्लैंक पैनल, देखिए पूरा अंदर तक घुस चुका है, और 8 महीने की गाभिन है। तो मेरा मानना है कि पशुओं को गाभिन अवस्था में कैल्शियम देना बहुत ही ज़रूरी है, इस स्थिति से बचने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि पशु हमारा इस स्थिति में ना आए, तो आप अपने पशुओं को कैल्शियम जरूर पिलाएं। बस अब देखिए इसकी स्थिति ये हुई है, अब देखते हैं इलाज करते हैं हम, फिर इसकी कितना इम्प्रूवमेंट आएगा फिर बताऊँगा आपको मैं। और मुझे लगता है कि इसमें 90% रिकवर हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट होगा एक बार। सही हो जाएगी अभी फिर हो जाएगी, क्यों फिर। नहीं, सब सही चीज़ जाएगी तो क्यों नहीं होगी। जानवर पाउंड लो बहुत टप छुआ मालूम है, बहुत खाने भी आया। मैंने ना भंजी हाँ जब से जानवरों का देखना शुरू करा कभी चेक नहीं करवाई। आइडिया खुद ही हो जाता सुनो मैं पकड़ता हूँ, लो तुम है तो पकड़ना है आराम से। तुरंत ये पकड़े, तू ये पकड़, यहाँ चाहिए, यहाँ खिलाए ना थोड़ी देर, बस खत्म होने वाला हूँ। और इसको हमने लगाया है एक यूविटेक का यूनिवेट एक्सल, एक इसकी टोनोसिटी बढ़ाने के लिए हमने लगाया है इसमें टोनोफॉस्फोन। डेक्सा हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। तो जय श्री राम मित्रों, यह है हमारा फॉलोअप और रिजल्ट। कैसा लगा दादी आपको रिजल्ट? बढ़िया बहुत बढ़िया, जय श्री राम। तो ये भैंस अब देखो जुगाली कर रही है, और प्रभु श्री राम की कृपा से ठीक है, मुझे पहचान भी रही है अभी। वाह, बच्चा ठीक है, कुछ फेंका तो नहीं है इसमें। तो ये थी कल, जिसने मुझे भी डरा दिया था, मैंने कहा यार ये जाती है, लेकिन जिसको प्रभु श्री राम बचाते हैं उसकी सादे फिर लौट के आ जाती है। तो ठीक है, मामला चारा खा रही है, हाँ कम खा रही है, कम खा रही खाएगी, और कैल्शियम जेल ले आना है तुम, 1 आध दिन अब और जेल, और 2 दिन और पिला दो बस, चल जाएगी।
बस कैल्शियम, कैल्शियम की कमी है दादी, कैल्शियम और ठीक है गुड।